हे हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई आपके अपने चैनल अमित स्वाई फीस में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट हमने देखा था सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल्स और आज हम देख रहे हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स। तो लास्ट में हमने क्या किया था, किरचॉफ्स लॉ के कम्प्लीट सोल्यूशन किया था। यहाँ पे भी हम किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग ही पूरे का सर्किट को सोल्यूशन करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम कंटिन्यू हमेशा करते हैं, पहले हम फिगर को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम सीधा इसको क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ सॉल्व करेंगे। और ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है, डेरिवेशन है, मे भी हो सकता है कि हमें एक बार पूरा रब करके वापस से सॉल्व करना पड़े। ओके, तो पहले हम थोड़ा फिगर को नेम दे देते हैं ताकि हम किरचॉफ लॉ में इजिली इसको सॉल्व कर सकें, पुट कर सकें। तो मैं इसे ले लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ, या फिर इसको लेते हैं ई एफ जी, फिर इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे एच, और यहाँ पे ले लेते हैं जे, ठीक, क्योंकि आई तो है यहाँ पे करंट में। ओके, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट सर्किट है। तो इसको हम पहले एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा फिगर को, क्योंकि हमें थ्योरी भी लिखना है और डेरिवेशन भी करना है। तो पहले फिगर को हम देखते हैं, क्या दिख रहा है हम फिगर में। तो यहाँ पे हम लेंगे एस सोन इन द फिगर करके, चित्र में दर्शाए अनुसार हमेशा की तरह एस सोन इन द फिगर क्या है, देयर आर टू सेल्स आर टू सेल्स हैविंग EMF epsilon 1 and epsilon 2 and the resistance R1 and R2 respectively, ठीक है? Next क्या है, here both the cells are connected in parallel connection with an external resistor having resistance R, ठीक है? अब करंट के बारे में बात कर लेते हैं। द करंट फ्लोस थ्रो epsilon 1 is I1 and flows through epsilon 2 is I2, ठीक है? तो नेट करंट क्या है यहाँ पे, तो हम थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो हियर फॉर जंक्शन पॉइंट, कहाँ पे, तो जंक्शन पॉइंट जो है सी क्या मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, कहाँ से, तो अकॉर्डिंग टू KCL, ठीक है? वीडियो बाकी है तो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हो। तो हमें ये मिला, तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्लियर, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अब देखो मैंने क्या कहा, हमें इसको सॉल्व करना है किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है? सेकेंड रूल केवल का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहां पे, दो हम यहां पे क्लोज लूप ले लेंगे, इसको हम ले लेते हैं
के पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, बाकी था एक। ओके, तो यहाँ पे टू जंक्शन पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको सी लिया है, इसको के ले लिया है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पूरे सर्किट को हम सॉल्व करने वाले हैं किरचॉफ सेकंड रूल यानी केवीएल के अकॉर्डिंग। तो केवीएल को अप्लाई करने के लिए हमें क्लोज लूप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे क्लोज लूप। थोड़ा सा ब्रेक। ओके, तो हम यहाँ पे क्लोज लूप लेंगे ए बी सी डी ई के एफ आई सॉरी के एफ जी ए। देखो लिखने में समझ में आएगा आपको। तो हम क्लोज लूप ले रहे हैं नाउ फॉर क्लोज लूप। देखो कौन सा है, तो हम शुरू करते हैं वापस ए से। सो ए बी सी डी एप्सिलॉन वन वाला मैं टर्म ले रहा हूं, यहां पे ई फिर के एफ जी ए जी ए, ठीक है। तो हम ये ले रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, जगह ज्यादा ले रहा है ए बी सी डी ई एफ ई के एफ जी ए, ठीक है। तो क्लोज लूप कुछ ऐसा है, यहाँ से हम गए हैं ये, फिर ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ये यहाँ से फिर ये और फिर ये, फिर यहाँ से कुछ ऐसा चल रहा है ये। तो हम इस क्लोज लूप की बात कर रहे हैं, क्लियर। ओके, तो ये है, तो क्या हो जाएगा फॉर क्लोज ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू केवीएल। तो केवीएल का यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो ए टू हम जा रहे हैं कहां, ए टू बी। तो ए टू बी में यहां पे कुछ है, कुछ भी नहीं है। बी टू सी में कुछ है, कुछ नहीं है। सी टू डी में कुछ है, कुछ भी नहीं है। डी टू ई में है, कौन है, तो देखो यहां पे हम कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर हम साइंस कन्वेंशन मैंने क्या कहा था, अगर हम कहां जाते हैं सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव में जाएंगे तो ईएमएफ नेगेटिव में नोट करेंगे, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव में होंगे तो पॉजिटिव। तो यहां पे हम कहां जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस एप्साइलन वन, ठीक है। हम जा रहे हैं करंट के ऑपोजिट, तो मुझे मिलेगा प्लस आई वन आर वन, क्योंकि करंट आई है और रेस्पेक्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, और इसके लिए रेस्पेक्टिव करंट कितना है, आई है। अब हम आते हैं ई टू के, कुछ नहीं है। के टू एफ में कुछ नहीं है, एफ टू जी में भी कुछ नहीं है। जी टू ए में है, क्या है, तो वो है वापस करंट के डायरेक्शन में है, तो प्लस आई आर इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पे आई वन फाइंड कर लेते हैं, तो आई वन आर वन इज इक्वल टू आई आर प्लस सॉरी एप्सिलॉन वन माइनस आई आर, क्योंकि इधर गया तो प्लस हो गया और इधर गया तो माइनस हो गया। तो मुझे मिलेगा आई वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन वन माइनस आई आर अपॉन कितना है आर वन, इक्वेशन नंबर टू। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्लोज लूप कौन सा, देखो तो इस बार हम जाते हैं वापस से ए बी सी, ए बी सी, सी के बाद एच जे के, एच जे के, जे के वापस वही है एफ जी ए, एफ जी ए। ऊपर फर्स्ट टाइम हम ऊपर से गए थे क्लोज लूप बनाए थे, इस बार हम नीचे से आ गए और क्लोज लूप बनाए, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, तो देखो वापस कुछ नहीं है, सीधा यहां पे आते हैं, तो हमें मिल रहा है माइनस एप्साइलन टू प्लस आई टू आर टू, पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट के ऑपोजिट है ना, वापस वही है प्लस आई आर इज इक्वल टू जीरो। तो वापस सॉल्व करेगा तो मिलेगा आई टू इज इक्वल टू एप्सिलॉन टू माइनस आई आर अपॉन आर टू, इक्वेशन नंबर थ्री। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन टू और इक्वेशन वन जो आया है, ठीक है, यानी कि वन में जो आई की वैल्यू है, एक मिनट,
तो यहाँ पे जो हमें आई वन और आई टू की वैल्यू है वो क्या कहाँ से पुट करेंगे, टू और थ्री जो इक्वेशन है हमारे पास, तो टू और थ्री इक्वेशन से हम क्या करेंगे, आई वन आई टू की वैल्यू इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, और लिख लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री इनटू इक्वेशन वन वी गेट, यहां से वैल्यू पुट कर देते क्योंकि थोड़ा जगह चाहिए हमें, तो आई इज इक्वल टू हमें इक्वेशन मिल जाएगा यहां पे एप्सिलॉन वन प्लस आई आर अपॉन आर वन प्लस एप्सिलॉन टू प्लस आई आर अपॉन आर टू, क्लियर। तो अब थोड़ा ये सेपरेट हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे I इज इक्वल टू एप्सिलॉन वन अपॉन आर वन, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, I फाइंड करना है ताकि हम इक्विवेलेंट EMF फाइंड कर सकें और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकें, इंटरनल रेजिस्टेंस। अपॉन कितना हो गया, तो अपॉन हमें मिल रहा है आई आर अपॉन आर वन प्लस, कहाँ से आ गया, माइनस था ना, सॉरी एप्सिलॉन टू अपॉन आर टू माइनस आई आर अपॉन आर टू, तो आई को एक साथ में ले लेते हैं, तो आई प्लस आई आर अपॉन आर वन प्लस आई आर अपॉन आर टू इज इक्वल टू एप्सिलॉन वन अपॉन आर वन प्लस एप्सिलॉन टू अपॉन आर टू। सॉल्व कर डालो पूरा क्या हो जाता है देखो, तो अगर मैं आई कॉमन ले लूं तो मुझे मिल रहा है आर वन आर टू, यही मिल जाएगा ना, देखो ऊपर ये दोनों को अगर सॉल्व करोगे पहले, अगर कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, वन प्लस अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या होगा, आर कॉमन आर वन प्लस आर टू, कैसे हुआ, अगर ये भी कन्फ्यूजन है आपको जिसको समझ में आया देखो इजीली, ये इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आर आर टू प्लस कितना है आर आर वन अपॉन कितना है आर वन आर टू, क्लियर। तो ये मुझे क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन वन आर टू प्लस एप्सिलॉन टू आर वन अपॉन कितना है आर वन आर टू, ठीक है। चलो अब आपको सिंपल है, तो क्या हो गया, आर वन आर टू प्लस आर कॉमन ले लो तो आर वन प्लस आर टू अपॉन कितना है आर वन आर टू इज इक्वल टू एप्सिलॉन वन आर टू प्लस एप्सिलॉन टू आर वन अपॉन आर वन आर टू, तो ये आर वन आर टू आर वन आर टू कैंसल, क्लियर। तो हमें आई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, तो हमें आई इज इक्वल टू मिला एप्सिलॉन वन आर टू प्लस एप्सिलॉन टू आर वन अपॉन आर इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन आर टू, क्लियर। तो ये हो गया आई क्या है, तो हमें पता है कि आई जो है वो करंट है जो आर से फ्लो हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि ये सॉल्यूशन के अंदर यहां पे जो है देखो यहां पे जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ईएमएफ नहीं आया, क्यों नहीं आया, तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट वैल्यू होता है वो है, अगर टू रेजिस्टर है तो वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू, इसको हमें सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, तो हमें उसको सॉल्व करने पे मिलेगा आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, कुछ इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, यानी कि वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू, तो हमारा आंसर आना चाहिए आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन आर टू, यानी आर इज इक्वल टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये फॉर्म में हमें सॉल्यूशन मिलना चाहिए, और यहाँ पे तो है नहीं, इसका मतलब है कि अब हमारा अभी तक हमारे इक्विवेलेंट वैल्यूज नहीं आए हैं, तो हमें चाहिए क्या, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, तो इक्वेशन में हम क्या करेंगे आर वन प्लस आर टू से डिवाइड कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा इक्वेशन नंबर फोर, सो क्या है, बाय डिवाइडिंग विथ आर वन प्लस आर टू क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन वन आर टू प्लस एप्सिलॉन टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, अपॉन कितना होगा, इससे डिवाइड करूंगा तो आर वन प्लस आर टू, क्योंकि हमें सबसे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस कितना है आर वन आर टू अपॉन
R1 plus R2। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन में, अब यहाँ पे इक्वेशन में जो है हमें यहाँ पे मिल गया है ये टर्म कौन सा, R1 R2 upon R1 plus R2, तो ये हो गया इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया यहाँ पे, इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं I = εr1R2 plus εr2R1 upon R1 plus R2 upon कितना हो गया, तो अपॉन हो गया R plus R1R2 upon R1 plus R2। क्लियर। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले आप थोड़ा वीडियो को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, 10 के काउंट में। ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ओके, तो अब हम इसे देखते हैं। मैं इतना सा हिस्सा रब कर रहा हूं, फिगर को रहने देते हैं, ये थ्योरी से हम इसको निकाल लेते हैं। ज्यादा नहीं, और 5 मिनट का ही टाइम बाकी है, तो मतलब कंप्लीट हो जाएगा 5-1 मिनट में। ओके, देखो, तो अभी हम थोड़ा सा थ्योरी खाली लिखेंगे यहां पे क्या है। इन द एबव इक्वेशन इक्वेशन मतलब हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, इन द एबव इक्वेशन εr1R2 plus εr2R1 upon R1 plus R2 is called equivalent EMF of parallel connection of cells, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, तो यहां पे जो आंसर है वो है εr1R2 plus εr2R1 upon R1 plus R2 is equal to εeq, ठीक है। और दूसरा कौन सा टर्म है यहां पे, तो सेकेंड टर्म है एंड R1 R2 upon R1 plus R2 is called equivalent resistance of internal resistors. So therefore, R1 R2 upon R1 plus R2 is equal to Req. Clear? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम Req is equal to R1 plus R2 upon R1 R2, लिख सकते हैं ना। सो therefore 1 upon Req is equal to, तुम्हें क्या मिल जा रहा है देखो, तुम्हें मिल रहा है 1 upon R1 plus 1 upon R2। क्लियर। सो ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको अगर यहां से डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या मिल जाएगा, तो εeq upon Req इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, तो इज इक्वल टू मिल रहा है εr1R2 plus εr2R1 upon R1R2। यानी हमें आंसर मिलेगा εr1R1 plus εr2R2। क्लियर। ओके, सो नाउ इफ देर आर एन सेल्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा εeq upon Req इज इक्वल टू εr1 upon R1 plus εr2 upon R2 plus εr3 upon R3 up to εn upon Rn। क्लियर। नाउ इफ n cells in parallel
कनेक्शन विथ एम रोज, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू, जो हमारा इक्वेशन था वहां पे आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ, कितना है, समेशन ऑफ एप्साइलन, या फिर तुम लिख सकते हो एप्साइलन ई क्यू अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर, कितना है, तो आर ई क्यू, क्लियर, सॉरी वन अपॉन एम इंटू आर ई क्यू, क्लियर। या तुम इस इक्वेशन को तुम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, ऊपर वाले टर्म को आप सॉल्यूशन कर सकते हो, समेशन ऑफ एप्सिलॉन ई क्यू अपॉन या एप्सिलॉन आई अपॉन एप्सिलॉन आर आई, आई इज इक्वल टू वन टू एन अपॉन, इसको तुम क्या लिख सकते हो, तो अपॉन लिख सकते हो आर समेशन ऑफ आर इंटू समेशन ऑफ वन अपॉन आर आई, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, इस आर ई क्यू को ऊपर ले गए थे ना, तो ऊपर ले गए थे तो क्या होगा, पूरे में डिवाइड हो जाएगा, तो इसी हिसाब से हमने सॉल्व किया है, तो प्लस कितना है, आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वन टू एन प्लस वन, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन है इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इस सॉल्यूशन को हम यहाँ पे कहते हैं मिक्स्ड सॉल्यूशन, क्या कहते हैं इसे हम, मिक्स्ड सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन था सारा अलग अलग आपको काम आएगा, बाकी हमारा फाइनल सॉल्यूशन यहाँ तक ही है, ये है, और ये जो फॉर्मूला है आप यहाँ से पुट करके अलग अलग इक्वेशंस फाइंड कर सकते हो। सो बहुत सिंपल सॉल्यूशन था, डेरिवेशन था, टू पार्ट में है, ठीक है ना, पहले हमने देखा और बाकी का ये आधा है। तो वीडियो को पॉज करके दोनों को पार्ट को आप नोट कर लीजिए, कंप्लीट नोट बना लीजिए। जैसे मैंने कहा फाइनल सॉल्यूशन हमारे यहाँ तक ही है, और ये जो है आप इसी वैल्यू को यहाँ से पुट करके आप ये सारे आंसर्स फाइंड कर सकते हो इस इक्वेशन में, ये करंट का फॉर्मूला है। जैसे मैंने भी कहा कि अगर आपको बोर्ड का अगर है तो आपको बोर्ड में थ्योरी के साथ कंप्लीट नोट लिखना पड़ेगा, अगर हम कोई कंप्लीटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ फॉर्मूला चाहिए। सो आई होप कि आपको ये पूरा जो सॉल्यूशन है पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। देखो चिड़िया भी बोल रहे हैं कि हाँ समझ में आया, ठीक है, तो आपको भी समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल को क्लिक करना, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर आप कंटिन्यू हो वीडियो के साथ तो प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए कि कैसे आपको वीडियो लगा है। सो थैंक यू वेरी मच। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल क्लिक करना, और प्रीमियर के वीडियो के लिए प्रीमियर में सेट नोटिफिकेशन कीजिए, ताकि जब भी वीडियो प्रीमियर होने जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए।